जम्मू कश्मीर के बीच में बैठे हैं, ऊपर बॉर्डर के दरमियान में बैठे हैं, आज़ाद कश्मीर में हम लोग बैठे हैं और सामने का जो नज़ारा है, एरिया है, वो जम्मू कश्मीर है। ऊपर इंडियन आर्मी के कैंप लगे हुए हैं, चेक पोस्ट से आई थी कैंप है, कैंप होगा और ये नज़ारे हैं। शारजा के रास्ते पर भी हैं और ये मकाम है यहाँ पर इकबाद के नाम से। और ये सामने देखें, ये जो दरिया बह रहा है, इस दरिया के जस्ट अपोजिट जो है ना, सामने इंडियन बॉर्डर है, ये इंडिया के बॉर्डर है। ऊपर दो छावनी बनी हुई इंडिया की, शायद आपको नज़र आए यहाँ पर, वहाँ पर देखें आगे, वो सारा जो इंडिया है और ऊपर दो छावनी पोस्ट बनाई हुई, चेक पोस्ट। सामने ऊपर दो चेक पोस्ट बने हुए इंडिया के, तीन बने हुए ऊपर, सामने सारा का सारा ये इंडिया है, जम्मू कश्मीर। और अभी हम यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में पड़े, हम लोग लवाद जीलम वैली में खड़े हैं और ये सामने जो है ना इंडियन बॉर्डर है जम्मू कश्मीर। तो ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुनीर इकबाल है। मुनीर इकबाल भाई हैं, ये हमें थोड़ी सी डिटेल बताएंगे यहाँ पे, ये जो दरिया बह रहा है इसके उस पार क्या और इस पार क्या? ये जो दरिया है इसके उस साइड पर इंडिया है, इंडिया है, और इस साइड पर कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर का, जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं। तो ये दरिया जो है ये बॉर्डर एरिया है जी, ये बॉर्डर एरिया, और इस साइड ये जो नाला है, इस नाले से इस साइड पे ये हमारी चौकी है, यहाँ पे इस तरफ ये हमारा इलाका है, ठीक है, ये आज़ाद कश्मीर का है। तो इस साइड पे इंडिया है, ये ऊपर बना हुआ इनकी चौकी बनी हुई जी, ये ऊपर ये सामने इनका झंडा भी लगा हुआ है, तो ये उनकी चौकी है यहाँ पे। ये अभी अमन है हम यहाँ पे, हाँ अभी अमन है, कोई अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, अभी कोई मसला नहीं है, अभी दो तीन चार साल हो गए अभी अमन है। तो टूरिज्म लोग आते हैं, देखते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते रहते हैं। ये रट्टी गली जो झील है, इसके वजह से आते रहते हैं यहाँ पे, और तेल शारदा वगैरह वहाँ पे भी जाते हैं जी। तो अभी हम शारदा जा रहे हैं, शारदा कैसा है, खूबसूरत है? खूबसूरत एरिया वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अच्छा, झील हमारी है, रट्टी गली झील है, वो पहले पड़ता है या बाद में पड़ता है? पहले पड़ता है, पहले पड़ता है, पहले पड़ता है, लेकिन वो दोबारियाँ से लिंक रोड लगता है वहाँ से। अच्छा जी, तो निसब रास्ते तक तो रास्ता ठीक है, क्लियर है, वहाँ से तकरीबन बीच में थोड़ी स्लाइडिंग आई हुई है ग्लेशियर की वजह से, सर्दियों में स्लाइडिंग आई थी तो वो रोड ख़त्म हो गई है। तो वहाँ से तकरीबन आपको एक दो तीन मिनट का सफ़र होगा जो पैदल है, पैदल है, हाँ, फिर आगे गाड़ी खड़ी है। अच्छा जी, आगे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, रोड वैसे रहती गली तक क्लियर है, लेकिन बीच में थोड़ा सा एरिया है जो उसको हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बाकी फिर आगे जीप होगी। जी जी बिल्कुल, आगे जीप है, फिर रहती गली जीप कैंप लगे हुए हैं वहाँ पर, सारा सिस्टम ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया भाई आपका, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर आगे ऊपर जाते हैं, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया।